मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 23वां अध्याय उसका 26 से 28 तक हम पढ़ें। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वे डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। यहां पर आज सुबह के समय जब हम वचन मनन कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कैसे पिता अपने पुत्र को सलाह दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा नीति वचन के द्वारा सुलेमान राजा के द्वारा हमसे बात कर रही है, लेकिन उसी समय परमेश्वर सुलेमान राजा से भी बात कर रहा है। हम जब सुलेमान राजा का जीवन देखते हैं, इस देश को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उसे ज्ञान से आशीषित किया था, उसे चेतावनी दिया जा रहा है कि उसने अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाए रखना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है। किस प्रकार परमेश्वर ने पुराने नियम के संतों के साथ व्यवहार किया, कैसे उन्हें तैयार किया, सिखाया, एक बर्तन के तौर पर उन्हें बनाया, उन्होंने अपनी गलतियों से कितनी बातें सीखी। परमेश्वर ये सलाह अपने पुत्र को क्यों दे रहा है? ताकि वो अपने जीवन में बहुत सारी ताड़नाओं से बच सके और इसका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके और वो परमेश्वर की योजना का एक पात्र बन सके। यहां 27वें वचन में हम देखते हैं, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। पराई स्त्री वो है जिसे अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर के विषय में कोई ज्ञान नहीं, पवित्र परमेश्वर को वो जानती नहीं, ना ही परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान है कि कैसे पराई देशों के बीच में रहते वक्त इसराइल ने अपने आप को संभालना है, पवित्रताई में अपने जीवन को बिताना है, अलगदाई का जीवन होना चाहिए। या परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि कैसे चुने हुए लोग जब अन्य जातियों के साथ मिल गए तो उनका जीवन बर्बाद हो गया। 27वें वचन में हम देखते हैं, 27 और 28 में हम देखते हैं, वे डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। जरा देखें कैसे परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है, उसके जीवन में आने वाले खतरों के विषय में चेतावनी दे रही है। उस गड्ढे के बारे में इधर प्रभु का आत्मा कहता है जो उसे तबाह करेगा। ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें अगर वो गिरे तो परमेश्वर से पाई आशीषें वो खो देगा। जब एक व्यक्ति जानबूझकर अपने सुख विलास के लिए, पराई स्त्री के उस ऐश के लिए पीछे जाता है तो वो उस गड्ढे में गिरता है जो उसके लिए मौत का कारण होता है। कितना कष्ट उसको सहना है, क्योंकि वो फिर अपने आप उसमें से निकलकर कभी बाहर नहीं आ सकता। इधर वचन में हम देखते हैं कि वह मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। सुलेमान का जीवन जरा देखें, कैसे परमेश्वर का ज्ञान पाने के बाद भी कैसे वो परमेश्वर का विश्वासघाती बन गया। सुलेमान का जीवन आज हमसे बात कर रहा है, कैसे उसने परमेश्वर की ताड़नाओं को नजरअंदाज किया। हमने इस नीति वचन में कितने परमेश्वर के चेतावनियों के बारे में सीखा है, लेकिन सुलेमान ये सब सीखने के बाद भी उसका जीवन कैसे बर्बाद हुआ, उसका जिंदगी कैसे अंत हुआ। अंत में उसके शब्द क्या हैं, सारी जिंदगी ये जीवन ही माया है, व्यर्थ है। लेकिन दूसरी तरफ अब्राहम, यूसुफ, मूसा को अगर हम देखें, वो जब इस संसार से गए, दूसरों को हौसला देते हुए उस आशा के साथ गए,
आइए आज सुबह हम अपने आप को जांच कर देखें, हमारा जीवन कैसा है। हम जिन्होंने नया जन्म का अनुभव पाया है, हमें शारीरिक व्यभिचार के बारे में तो हमें मालूम है कैसे वो गलत है, लेकिन आज सुबह हम अपने आत्मिक जीवन को देखें। क्या मैं आत्मिक व्यभिचार कर रहा हूं? क्या मैं इस संसार के पीछे भाग रहा हूं? क्या परमेश्वर की आत्मा की ताड़ना को सुनकर भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा? मुझे कैसे अपने दुल्हा मसीह यीशु के लिए तैयार होना है, जो मेरा प्यारा दुल्हा है, जो चाहता है कि मैं उसके कद तक बढ़ूं और पवित्र जीवन बिताऊं? क्या मैं संसार की अशुद्धता से अपने आप को संभाले हुए हूं? आइए हम परमेश्वर की ताड़नाओं को तुच्छ ना समझें। हमारा हृदय परमेश्वर के प्यार से दूर ना हो। आइए उस पवित्र मार्ग में हम सच्चे मन से चले, प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होने पाए। जो आशीषें हमने प्रभु से पाई, उसे संसार के पीछे भागते हुए हम बर्बाद ना करें, वरन आइए हम सत्य को खरीदें, मोल लें, उस पर खड़े रहें, सत्य को अपने हृदय में रखें, ताकि हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। प्रभु हम सबको उसमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुबह के समय प्रभु, जब एक नया दिन हमारे सामने है, आप हम एक एक को चेतावनी दे रहे हैं, एक पुत्र की तरह आप हमें समझा रहे हैं। पिता, इन दिनों में आपके वचनों को महत्व देते हुए ध्यान के साथ, शैतान जब हमें बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रहा है, दुनिया हमें आकर्षित करने की प्रयास कर रही है, अपने आप को संभालने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के मधु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।